الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. कैसे हैं अहबाब? सुने सुनाए सुन्नी से पढ़े पढ़ाए सुन्नी बनो, इसके सिलसिले में एक मुख्तसर दरस कुरान. आज हमारे पास जो आया करीमा है वो आयत नंबर 34 सूरह बकरा की, आयत नंबर 47 और 48, ये तीन आयत हैं हमारे पास. कुरान करीम में है अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फरिश्तों से बात की, फिर फरिश्तों ने जो जवाब दिया उस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फिर फरिश्तों के सामने दीगर मामलात हुए, आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए और फरमाया कि इनको सजदा करो. कुरान कहता है व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन. और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के अलावा सब ने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकबर किया और काफिर हो गया. इसमें जो चीज़ें मद्देनज़र रखने वाली हैं वो ये हैं कि अल्लाह ताला ने इबलीस को फरमाया कि तू सजदा कर, फरिश्तों को कहा, इसको भी कहा, इसने नहीं किया. सबसे पहले हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और जिब्रील के साथ सारे फरिश्तों ने सजदा किया, सजदा किया, सारे उठाया, देखा इबलीस खड़ा हुआ, उन्होंने फिर दूसरा सजदा सजदा शुक्र के तौर पर अदा किया. एक बात तो ये अर्ज़ कर दूँ कि कायनात की सबसे बड़ी ख़ता और पहली ख़ता जो इंसान बनने के बाद शुरू हुई वो नबी की तोहीन. उसने कहा ना खैर मैं इससे बेहतर हूँ, तूने इसको मिट्टी से बनाया, ये बशर बनाया, तो ये कोई बात है? और ये याद रखिएगा, अंबिया को अपने जैसा बशर कहना ये किसी मुसलमान का तरीका नहीं है. अगरचे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि नबी बशर ही होता है, लेकिन नबी को अपने जैसा बशर कह के तारुफ करवाना ये किसी मुसलमान का तरीका नहीं है, ये कुफार का तरीका है. सूरह यासीन में मौजूद है, दीगर और सूरतों में मौजूद है. तो अंबिया को अपने जैसा बशर कहने वाला अंदाज़ अच्छा नहीं है, अल्लाह महफूज फरमाए. और दूसरी बात यह है कि इबलीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह ताला को नहीं. अल्लाह ताला को सजदा करने को तो हर वक्त तैयार है, उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया. उन्होंने कहा तैनू करांगा, किसे होरू नहीं करा. रब ताला ने फरमाया मुझे भी करना है और जिसको मैं कहूँ उसको भी करना है, मतलब मुझे भी मानना है और जिसको मैं कहूँ उसको भी मानना. अल्लाह ताला को वो लोग कतान पसंद नहीं है कि प्यारों को छोड़कर कहें कि हम तुझसे प्यार कर, वो अल्लाह ताला को लोग पसंद नहीं है. खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब इनको फरमाओ अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बनाए. तो अल्लाह ताला के महबूब बनने के लिए उसके प्यारे की इत्तिबा करना लाजिम है, उसके प्यारे के वसीले के बिना आप महबूब इलाही नहीं बन सकते. यहाँ बात आ गई सजदे की. एक बड़ा बारीक सा नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ, वो ये है कि जो काम किसी दौर में किसी भी नबी की शरीयत में कभी जायज़ रहा फिर कभी हराम रहा, वो कभी भी शिर्क नहीं हो सकता. हराम हो सकता है सजदा ताज़ीमी यकूब अलैहिस्सलाम ने किया, आपके बेटों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किया, और सजदा ताज़ीमी फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया, तो ये सजदा ताज़ीमी था. सजदा ताज़ीमी को शिरक नहीं कह सकते आप. पहली शरीयतों में जो चीज़ जायज़ रही इस शरीयत में नाजायज़ हो गई, या पहली शरीयतों में नाजायज़ थी इसमें जायज़ हो गई, ठीक है. ये जो शरीयतों के इख्तलाफ से जो चीज़ें जायज़ और नाजायज़ वाला मामला ना, ये एक शरीयत में जायज़ तो दूसरी में हराम हो सकती है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक शरीयत में जायज़ थी दूसरी में शिर्क हो गया, एक में नाजायज़ थी दूसरे में जायज़ हो गई, पहली में शिर्क थी बाद में जायज़ हो गई. ना ना ना, शिर्क किसी हालत में भी जायज़ नहीं रहा. तो सजदा ताज़ीमी अगर कोई करता है तो हम कहेंगे कि ये हराम काम कर रहा है, मुशरिक नहीं कहेंगे उसको. अब कोई दाता अली हजवेरी के मज़ार पर जाकर सजदा करता है, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर जाकर सजदा करता है, तो दो सूरतें करनी पड़ेंगी. अगर वो खुदा समझ कर कर रहा है तो तब शिरक है, अगर खुदा नहीं समझ रहा, वाजिबुल वजूद नहीं समझ रहा, तो उसको हम मुशरिक नहीं कहेंगे, हराम कहेंगे कि सजदा ताज़ीमी हराम. ये फ़र्क समझना ज़रूरी है.
बहरहाल सजदे दो तरह के होते हैं, एक सजदा इबादत का, दूसरा तज़ीम का। जो सजदा इबादत होता है वो माबूद समझकर किया जाता है, किसी को माबूद समझकर उसके सामने झुकना, और एक होता है तज़ीम का सजदा। और ये होता है जब जब किसी के सामने तज़ीमन झुका जाए, जिस तरह बादशाहों के सामने लोग झुकते थे, तो हर बादशाह को वो अपना खुदा थोड़े समझते थे ना, वैसे झुकते थे। सजदा इबादत ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास है, किसी और के लिए नहीं हो सकता, और न किसी शरीयत में ये जायज़ रहा है। अल्लाह ताला के अलावा सजदा इबादत कभी भी किसी को भी नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि फरिश्तों ने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया वो तज़ीम का सजदा था, ठीक है। और इसको यूँ नहीं कह सकते कि बस उन्होंने दिल ही दिल में ऐसा, ना, पेशानी ज़मीन पर रखी थी, ठीक है, सिर्फ सर को यूँ झुकाया नहीं था बल्कि पेशानी ज़मीन पर रखी थी। तज़ीमी सजदा पहली शरीयतों में जायज़ था, हमारी शरीयत में मनसूख है, अब किसी के लिए जायज़ नहीं। लिहाजा अगर किसी वली, किसी भी वली, दादा साहब, बाबा साहब, ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर कोई सजदा तज़ीमी करता है, हराम है। मगर उन पर यह बहतान लगाना कि ये इबादत है, सजदा इबादत है, ये मुशरिक हो गए, अगर किसी ने ऐसा कहा तो कायल खुद काफिर हो जाएगा, क्योंकि बुखारी शरीफ की रिवायत है जब मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है तो अगर सामने वाला काफिर नहीं है तो कायल खुद काफिर हो जाता है। और हमारे नज़दीक याद रखिएगा, इतना कब्र के सामने झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए, यानी रुकू की सूरत बन जाए, ये भी नाजायज़ है। आयत नंबर 47 में मैंने ये बताना था, कुछ लोगों ने ना अपना वतीरा बना रखा है, एक आयत पढ़ते हैं बस ये अकीदा, अब वो एक आयत या तो खुद पढ़ लेते हैं, दूसरी ये सूरत होती है कि जाहिल मौलवी मिल जाते हैं उनको, और जाहिलों के पास बैठ बैठ कर वो एक तरह की आयतें सुन के उसी पर अपना अकीदा बना के लोगों को मुशरिक 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 कह रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। या तो पूरे कुरान पाक को पढ़ा जाए, पूरे कुरान पाक को पढ़ कर फिर कोई अकीदा बनाया जाए, और ऐसा कोई नहीं करता, हर बंदा ही किसी न किसी का मुकल्लिद है। और कमाल की बात यह है कि जो मुकल्लिद है वो हमें कह रहा था कि तुम मुकल्लिद हो, हम मुकल्लिद नहीं, हम तो कुरान पढ़ते हैं, जबकि उन्होंने कुरान अपने अब्बा जी से नहीं सीखा होता, किसी न किसी मौलवी के पास जाकर सीख रहे होते हैं, उनको जो भी कुरान की आयत है वो किसी न किसी मौलवी ने बताई होती है, और फिर जो उसका माना उस मौलवी ने बताया होता है उसी को वो मान रहे होते हैं। हालांकि तकलीद का माना भी यही है, तकलीद यही है कि आप एक आयत पढ़ते हैं उससे एक मतलब आपको समझ आए और एक मतलब किसी आलम दीन को समझ आए, तो हम अपने मतलब को छोड़कर आलम दीन के मतलब को मान लें, इसी को माना तकलीद है। तो अब अगर कोई बंदा कहता है कि भाई हम तो कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ के हम खुद ही अकीदा बना लेते हैं, तो मैं दो आयतें पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि किसी के पास भी आप बैठे हैं वो कहे जी कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, उससे पूछें हज़रत आप मुझे ये बताएं कि सबसे अफजल उम्मत कौन सी है, बोलेगा हमारी। भाई सबसे आला कौन है, जी हम। भाई ईसाइयों से, जी हम। यहूदियों से, जी हम। हर बात पे यूँ बोलेगा, उन्होंने कुरान पाक की आयत है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 47, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता बनी इसराइल को, या बनी इसराइल अज़कुरु नियमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए औलाद यकूब याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया, व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें सारे जहानों पर फजीलत दी। अल आलमीन से क्या मुराद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अंदाज़ा लगा लिया जाए, तो तमाम आलम आलमीन जिन जिन का अल्लाह ताला पैदा करने वाला और पालने वाला है वो आलमीन में शामिल हैं, उन पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फजीलत दे दी, कुरान तो ये कह रहा है, तो आप कह रहे हैं हम अफजल हैं, बताएं फिर इसका क्या जवाब। तो वो कहेगा नहीं इसका ये मतलब है, अब मतलब कहाँ से निकाल रहे हैं भाई, अपनी अफजलियत खतरे में पड़ी तो मतलब निकाल लेंगे हम, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की बात आए, जब औलिया की अज़मत की बात आए, फिर अगर मतलब निकालें, लो जी तुम तो कुरान पाक की आयात से इधर उधर से मतलब निकाल रहे हो, कुरान की आयत में तो वाज़े वाज़े लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारी अफजलियत खतरे में पड़ी तो तुम्हें परेशानी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात आई वहाँ हमने बोला कि इससे मुराद ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब ज़ाती नहीं है, अताई तौर पर मौजूद है, तो कहते नहीं जी आयत में तो मुतलकन लिखा हुआ है, तो मुतलकन माने, तो यहाँ भी मुतलकन लिखा हुआ है, मानो कि ईसाई हमसे अफजल है, मानो कि यहूदी हमसे अफजल है, लेकिन अगर यहाँ
आप मफहूम निकालोगे तो यकीनन आपको यह मानना पड़ेगा कि कुरान पाक की दीगर आयात में भी जब तक उसके तमाम पहलुओं पर गौर ना किया जाए कोई अकीदा नहीं बनाया जा सकता। अब इससे अगले वाली आयत में देख लीजिए, आप किससे पहले पूछ लो कि भाई आप ये बताओ, आप जो हमें बार बार कह रहे हैं मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, दाता कोई नहीं, फ़लाँ नहीं फ़लाँ नहीं, आप ये बताओ कि कयामत वाले दिन सुना है हाफिज घर वालों की शिफात करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा जी। अच्छा कोई आलम दीन है वो भी सिफारिश करेगा? जी बिल्कुल करेंगे जी। अल्लाह के नबी भी सिफारिश करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे जी। नहीं कहा यार मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है कि कोई सिफारिश नहीं करेगा, तो उसे आयत पढ़ दो, सूरह बकरा की आयत नंबर 48 है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वत्तकु यौम ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा शफा वला युख़ज़ मिन्हा अदल वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला नहीं हो सकेगी, एक जान दूसरी जान के बदले में नहीं होगी, वला युक़बलु मिन्हा शफा और ना किसी की कोई सिफारिश मानी जाएगी, वला युख़ज़ मिन्हा अदल और ना कुछ बदला लेके उसकी जान छोड़ी जाएगी, वला हुम युनसरून और ना उनकी मदद की जाएगी। तो अल्लाह ताला तो डरा रहा है कि किसी की शिफात ही नहीं है, तो तुम कह रहे हो। फिर वो कहेगा नहीं असल में दूसरी आयत में है ना मंजल्ला यशफा इंदहू इल्ला बिज़नी, कि कौन अल्लाह के हाँ जो सिफारिश करे मगर जिसको वो इजाज़त दे, तो मकाम महमूद वाली आयत भी है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके बेटे जो हिफ्ज कर चुके हैं उनकी शिफात में फड्डा पड़ा, आपके मौलवी की शिफात को रोका, तो आपने कहा इस आयत का मतलब दूसरी आयत से लेंगे। लेकिन जब आपने हमें बताया कि कुरान की आयत में है अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे पास खजाने नहीं है, और हमने कहा कि इसका मतलब है कि अपने खजाने नहीं है, वरना इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ताला फरमाता महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। ये आयत में है कि मैं गैब नहीं जानता, तो भाई ठीक है ना, हम कहते हैं इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला की अता से जानते हैं, वैसे नहीं जानते, तो वैसे नहीं जानते अता से, व अल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। वह कहते हैं नहीं नहीं देखो हम जो आयत पढ़ रहे हैं आप दूसरी आयतों की तरफ लेके जा रहे हैं, हम जो आयत पढ़ रहे हैं उसमें साफ वाजे वाजे लिखा है, तो वाजे वाजे पुत्र जी इतने भी लिखा है, तो वाजे वाजे हम जो समझ रहे हैं वो नहीं, हमें उस अंदाज से समझना चाहिए जिस अंदाज से हमारे अकाबरीन ने हमें बताया, सहाबा ने बताया, ताबईन ने बताया, तबा ताबईन ने बताया। तो कुरान पाक की एक तरफ की आयात को लेकर अपना अकीदा बना लेना और अंबिया और औलिया की तोहीन करना ये कतान दुरुस्त नहीं है। आप दोनों तरफ की आयात देखें और फिर मुताबकत पैदा करें। तो मुताबकत यही है कि जिस तरह काफिर के लिए कोई सिफारिश नहीं होगी, ठीक है, वगरना अल्लाह ताला इजाज़त देगा तो मोमिनीन की शिफात होगी, इसी तरह अल्लाह ताला की अता के बग़ैर कोई इल्म गैब नहीं जानता, और अल्लाह ताला की अता से जानते हैं, कुरान पाक की आयात शाहिद हैं, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, रसूल जिस पर राज़ी हो जाए अल्लाह उसको इत्तला अलग़ैब कर देता है। अल्लाह ताला की अता से ही सारे मामलात होते हैं, अल्लाह ताला की अता के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों तरफ की आयात को मानना ज़रूरी, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी।